हेलो जी, सत श्री अकाल, नमस्ते, सलाम वालेकुम। स्वागत है तुम्हारा मेरे चैनल पे, जिसका नाम है रीत व्लॉग्स। एक्चुअली अब मुझे बोलना चाहिए स्वागत है आपका हमारे चैनल पे, जिसका नाम है रीत व्लॉग्स। हम लोग आज बाहर आए थे कुछ काम के लिए, बहुत ही ज़रूरी काम है जिसके लिए मैं काफ़ी देर से वेट कर रही थी कि फाइनली आज वो दिन आ गया है। वो दिन क्या है वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताती हूँ कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। बट फिलहाल मैं आपको आज के मौसम की अपडेट दे देती हूँ। बीच में ही धूप निकल आती है, बारिश हो जाती है, पर हम सोच रहे हैं कि एक बार अच्छे से, मुझे लगता है इधर तो बारिश हुई है शायद, है ना, किसी किसी एरिया में बारिश पड़ रही है। हमारे इधर तो हम लोग कितने दिन से वेट कर रहे हैं, बारिश ही नहीं आ रही है। एंड हेलो हेलो सो एक्चुअली मैं आपको, चलो बता ही देती हूँ, हम लोग जा रहे थे एक्चुअली डेंटिस्ट के यहाँ पे। क्यों जा रहे हैं, मेरे ही काम के लिए जा रहे हैं। आपको पता होगा मैंने एक बार पहले भी एक व्लॉग बनाया था जब मैं डेंटिस्ट के यहाँ पे गई थी। मेरी जो टूथ है ना उसमें दिक्कत आ रही थी, थोड़ी सी पेन सी हो रही है, और उसके लिए हम लोग जो है डेंटिस्ट के पास जा रहे थे। काफ़ी ज़्यादा हमने सर्च करके, ये डॉक्टर जो जिनके पास हम लोग जा रहे हैं ना, काफ़ी इनके बारे में सुना है, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड और फेमस डॉक्टर हैं। मेन इनका जो है रिव्यू में आ रहा था कि इनका जो प्रोसीजर है ना वो काफ़ी पेनलेस होता है। सो मुझे वही चाहिए क्योंकि मेरे दाग में ऑलरेडी काफ़ी दर्द हो रहा है, एंड आई डोंट वॉन्ट कि जब वो हल्का सा भी छेड़ें तो फिर से जो है ज़्यादा दर्द हो, क्योंकि ये दर्द जो है ना सीधा सिर पर जाता है, हेडेक भी होने लग जाता है। कल पूरा दिन मेरा हेडेक रहा है। सो बाकी हम लोग वहाँ पर जाएंगे, उनका जो मैं ट्रीटमेंट है वो देखती हूँ किस हिसाब से है, देन मैं आपके साथ उनका रिव्यू ज़रूर शेयर करूँगी। डॉक्टर कहाँ पर है वो भी मैं आपको वहाँ पर जाके बताती हूँ। हम लोग एक्चुअली हमारे एरिया से थोड़ा दूर जा रहे हैं क्योंकि हमने इनके बारे में काफ़ी सुना है, दैट इज़ वाई हम लोग स्पेशली इनके पास जा रहे हैं, वरना हम अपने आसपास भी जो है कहीं डॉक्टर के पास जा सकते थे, बट नो। सो चलो वहाँ पे जाके आपसे मिलती हूँ एंड फिर मैं बताती हूँ मेरा ट्रीटमेंट कैसा रहा, बिकॉज आई डोंट थिंक सो अंदर शूट करना अलाउड होगा। अगर इनकेस पॉसिबल हुआ तो आई विल डेफिनेटली शेयर इट विद यू। हाँ जी, सो आपने ऑलरेडी सुनी लिया होगा जब मैंने अंदर से बाहर निकल के जो है बोला था कि मेरी RCT होनी है, रूट कैनाल होनी है मतलब के। सो उन्होंने बोला है कि आपके ना मतलब पस जो है वो बन गई है यहाँ पे, सो दैट इज़ वाई प्रॉपरली क्लीन करना पड़ेगा रूट कैनाल, जिनको पता है, ठीक है, मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी प्रोसीजर। 3-4 सिटिंग्स होंगी मेरी, एंड अभी फिलहाल मेरी फर्स्ट सिटिंग है, सो उसके लिए उन्होंने मुझे जो है ना थोड़ा वेट करने के लिए बोला है, वही हम लोग कर रहे हैं। देखते हैं मेरी फर्स्ट सिटिंग आज ही रहती है या फिर वो लोग भी और बुलाएंगे, उनकी कॉल आएगी, दैट इज़ वाई हमें अभी थोड़ी देर जो है यहीं पे वेट करना होगा। सो उसके लिए हम लोग देख रहे हैं कहीं बैठने के लिए हमें जगह मिल जाए, वहीं जा रहे हैं सो टाइम स्पेंड करने के लिए, क्योंकि गाड़ी में भी कितनी देर बैठे रहेंगे, है ना। बिल्कुल। और RCT बड़ी पेनफुल होती है? नहीं होगी पेनफुल, ये डॉक्टर का काफ़ी मतलब एक्सपीरियंस्ड है ये डॉक्टर, तो मुझे लगता नहीं है कि मतलब ये ज़्यादा पेनफुल प्रोसीजर होगा इनका। उन्होंने जो है बोला है कि पहले आपको एक इंजेक्शन लगेगा, वो तो लगता ही है इंजेक्शन ना पहले। चलो ठीक है, चलते हैं फिलहाल कहीं पे एंड फिर जो है मैं आपसे बातचीत करती हूँ। सो ऑर्डर हमारा आ गया है, सो मैंने ऑर्डर किया था मोहितो और रीत ने ऑर्डर की कॉफ़ी। हम कॉफी वाले बंदे हैं, दांत मेरा दर्द हो रहा है पर लेकिन कॉफी मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। सो जब तक उनकी कॉल नहीं आती हम लोग ये पियेंगे, फिर उसके बाद चलते हैं वहाँ पे। सो फाइनली हमें कॉल आ गई थी डॉक्टर की, एंड ये मेरी उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन ऑलरेडी बना के मुझे दे दी है। सो हम लोग अभी जा रहे हैं अंदर मेरी फर्स्ट सिटिंग के लिए, एंड आई एम क्वाइट नर्वस। विश मी लक, लेट्स गो। सो मेरे जो है मैं जो बोला नहीं जा रहा यार, इधर से पूरा सुन हो गया, मेरे NSTCR लग चुका है, एंड 5-10 मिनट्स उन्होंने वेट करने के लिए बोला, एंड अभी फिलहाल बोलने में भी दिक्कत हो रही है, बिकॉज ये पूरा नम हो गया मेरा एरिया, टंग भी जो है ना
मूवमेंट करने में प्रॉब्लम हो रही है एंड आई थिंक आपको फील भी हो रहा होगा, रुक करो इधर मुझे कुछ फील नहीं हो रहा। हाँ जी, सो मेरी जो है फर्स्ट सिटिंग हो गई है एंड थोड़ी डिफिकल्टी हो रही है मुझे बोलने में क्योंकि अभी भी जो है मेरा नम है ये साइड, और फर्स्ट सिटिंग में उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट जो है कर दिया है। अभी उन्होंने मुझे मेडिसिन दी है 3 दिन की, फ्राइडे को उन्होंने दोबारा बुलाया है, उसके बाद पता चलेगा कि 3 सिटिंग में काम हो जाएगा या एक आधी सिटिंग और लेनी पड़ेगी। फिलहाल तो कोई इतनी एज सच पेन नहीं है, बस हल्का हल्का सा फील हो रहा है कि कुछ हुआ है इस साइड पे। बाकी जब ये नम मेरा जो है नॉर्मल होगा ना प्रॉपरली, फिर पता चलेगा। एक्चुअल में उन्होंने मेडिसिन दी है, पेन किलर वगैरह वो ले लूँगी अगर ज़्यादा दर्द होगी तो। एंड अभी हम लोग जा रहे हैं वापस घर पे, घर पे जाके मैं आपको जो है कुछ दिखाना चाहती हूँ, कुछ बताना चाहती हूँ एक्चुअली में। सो उसके लिए वेट करना, सो तब तक शायद मेरा ये भी सारा सही हो जाए और मैं अच्छे से बोल पाऊँ प्रॉपरली। ट्रीटमेंट कैसा था उनका? अच्छा, उनका ट्रीटमेंट बता देती हूँ एक्चुअली में। मतलब मैं अभी तक जितने भी डेंटिस्ट के पास गई हूँ ना, इन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा कम्फर्टेबल फील करवाया, बिकॉज मैं बहुत नर्वस हो रही थी। इंजेक्शन से मुझे बहुत डर लगता है, सो मतलब लगाने में डर नहीं लगता बट ना लगवाने में थोड़ा समटाइम्स होता है फील आता, मुझे पैनिक से होने लग जाती हूँ। सो उन्होंने मुझे इतना नॉर्मल फील करवाया, कंफर्टेबल, कि कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। एक्चुअल में कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल ही पेनलेस प्रोसीजर था जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला था। डॉक्टर कमलदीप कौर नाम है डॉक्टर का, सर्जन है, एंड बहुत बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। इनकेस आप लोग आसपास के एरिया के हो ना और आपको डेंटिस्ट की ज़रूरत है तो यहीं पर विजिट करना, तारीवाल में है इनका। एंड आप लोग गूगल के ऊपर सर्च करोगे ना ओरल एक्सपर्ट्स, इनके क्लिनिक का नाम है। मैं इनका जो एड्रेस है ना वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, आप लोग वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। हाँ, सिटी तारीवाल सिटी है, मतलब जेडे जानते हैं उन्होंने पता चल ही जाएगा आसपास वाले। बहुत बहुत सही रहा अभी तक का मेरा जो उनके साथ मतलब एक्सपीरियंस है। एंड उन्होंने जब जब भी पता था ना कि यहाँ पेन होगी, वो मुझे बोल देते थे कि अभी आपको हल्की सी पेन होगी, सो दैट अंदर से पहले ही माइंड प्रिपेयर हो जाता है। एंड वो भी इतनी नहीं हो रही थी, बहुत माइनर सी हो रही थी, बियरेबल थी उतनी थी। सो ठीक है, अभी मैं आपको घर पे जाके मिलती हूँ, ठीक है। हाँ जी जी, सो हम लोग जो है उस दिन घर आ गए थे। एज़ यूजुअल यू ऑल नो कि उस वक्त जो है कहीं और रुकने की मेरी स्थिति नहीं थी, बिकॉज मेरा पूरा फेस इधर से नम था यहाँ तक ईयर तक। एंड घर पे आके मैंने अच्छी कंप्लीट रेस्ट करी है। अभी जो है मेरी कल फिर से अपॉइंटमेंट है, सो उसके साथ साथ मैं आई वॉन्ट टू शेयर सम थिंग्स विद यू दैट आई हैव ऑर्डर्ड एज़ यूजुअल फ्रॉम अमेज़न। ऐसे छोटी छोटी चीज़ें ऑर्डर करती रहती हूँ मैं, मुझे अच्छा लगता है शॉपिंग करते रहना। सो द फर्स्ट थिंग जो मैंने ऑर्डर करी थी ना वो ये है, रेने की ये लिप ग्लॉस है, सीमी शाइन। बहुत देर से मैं देख रही थी, मैं चाह रही थी इसको ऑर्डर करना, पकड़ अप पीच। मैं भी लगा भी लेती हूँ, एक्चुअली आई हैव नॉट अप्लाइड एनीथिंग ना, सो आप लोग देख लोगे। सो एज यू कैन सी ये लिप ग्लॉस है, लिप मतलब जस्ट यू नो शाइन ऐड करने के लिए, सीमी शाइन है इसका नाम है। बहुत ही क्यूट सी पैकेजिंग है, छोटू सी पिद्दू सी पैकेजिंग है इसकी, एंड इसका प्राइस यहाँ पे मेंशनड है। एंड हर चीज़ के परचेज लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशनड है। अगली चीज़ जो मैंने मंगवाई है वो मेरी ये है आईब्रो किट है, बिकॉज मेरी आईब्रो पेंसिल्स बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती हैं। आपने देखा होगा थोड़ा टाइम पहले ऑर्डर करी थी, इट्स कम्प्लीटली फिनिश्ड, पता नहीं क्यों, बहुत ज़्यादा शायद मैं यूज़ करती हूँ आईब्रो पेंसिल, मेरी बहुत जल्दी फिनिश हो जाती है। सो ये वेट एंड वाइल्ड की है, प्राइस साथ में मैं इसका मेंशन कर रही हूँ। एक बार मैंने यूज़ करके देख लिया है, इसके साथ बहुत ही प्यारा सा प्लकर दिया, ट्वीज़र दिया इन्होंने, और इसका ब्रश है जो कि स्पूली के साथ है। सो दिस इज़ माई आईब्रो किट। उसके बाद मैंने बहुत ही क्यूट सा एक ब्लश ऑर्डर किया है शुगर से, शुगर का है ये, एंड कंटोर डे फोर्स मिनी ब्लश, और इसका शेड है पीच पीक। ये है इसका शेड पीच पीक, बहुत ही प्यारा शेड है। आप अगर ब्लश ही सिर्फ ब्लश अप्लाई करते हो ना मेकअप करने के बाद, सो ये आपके फेस के ऊपर ना एक कंटोर इफेक्ट भी देता है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये। दिस इज माय थर्ड चीज़ जो मैंने मंगवाई है। उसके बाद मैंने एक और लिपस्टिक मंगवाई है, एज़ यू ऑल नो मुझे इसकी ये मेबेलिन सुपर स्टे के इतनी ज़्यादा लिपस्टिक्स अच्छी लगी हैं। इसमें मैंने शेड ऑर्डर किया था रिंग लीडर, मैं आपको इसका स्वॉच दिखा देती हूँ।
सब चीज़ों के प्राइस जो है साथ साथ में मेंशन करे जा रही हूँ। सो इस तरह का है ये कुछ कलर, बहुत ही सटल सा न्यूड सा कलर है एंड आई क्वाइट लाइक डिट। समटाइम्स जैसे हमें हल्का सा न्यूड सा पेस्टल सा कलर चाहिए होता है ना, सो उस टाइम के लिए बहुत प्यारा है। उसके बाद मुझे ऑफर में 3 नेल पेंट्स मिल रही थी, ये देखिए जी एक साथ। इसका एक शेड मैंने ऑलरेडी लगाया भी हुआ है, आप लोग देख ही सकते हो। एंड मिनीसो कंपनी की हैं ये, मिनीसो ब्रांड की नेल पेंट्स हैं ये। तीनों के तीनों मुझे कॉम्बो में मिली हैं एंड प्राइस मैं इनका लिख ही रही हूँ, कॉम्बो में मुझे कितने की पड़ी थी। ये जो मैट शेड है ना, ये इतना प्यारा शेड है, इतना नेचुरल लगता है ना, आप लोग ज़रूर एक बार चेकआउट करना। उसके बाद जो अगली चीज़ मैंने मंगवाई है वो है गार्नियर की तरफ से शीट मास्क, जो कि मैं बहुत यूज़ करती हूँ, मुझे बहुत बहुत अच्छे लगते हैं, पसंद है ये पर्सनली। अभी मैंने ओपन भी नहीं किया था, अभी मैं ओपन कर रही हूँ। वाओ, इस बारी मैंने कुछ अलग ट्राई किए थे, ये नॉर्मल से थोड़ा हटके हैं। ये विटामिन सी वाले हैं दो, और एक है हाइलुरॉन शॉट फ्रेंच मिक्स बूस्टर मास्क, नाइस। मैं इनको ज़रूर ज़रूर ट्राई करना चाहूँगी, बहुत सीरम है इनके अंदर। ये दोनों विटामिन सी वाले हैं, ओके नाइस। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट चीज़ जो मैंने ऑर्डर करी है, दैट इज़ वन मोर नेल पेंट फ्रॉम इनसाइट। ये मैंने लेवेंडर शेड ऑर्डर किया है, मुझे बहुत देर से लेवेंडर शेड की नेल पेंट चाहिए थी एंड मैंने सोचा कि इसकी मैं ट्राई करके देखती हूँ। सो दिस इज़ द लास्ट थिंग जो मैंने ऑर्डर करी है। नो एक्चुअली नो, देयर इज़ वन मोर थिंग जो कि मैंने ऑर्डर करी है, वो आप लोग अभी साथ साथ में देखो। ये मैंने एक्चुअली मंगवाई है, जैसे हमारे बेबी हेयर होते हैं ना, जो पीछे पोनी वगैरह जब हम करते हैं, सो काफ़ी ज़्यादा बेबी हेयर हमारे जो हैं वो अच्छे नहीं लगते पीछे जब आ जाते हैं, सो उसको जो है ये करने के लिए स्लिक अप करके कुछ है। सो इसके अंदर ना इन्होंने बहुत ही अच्छा सा सोल्यूशन दिया हुआ है, जिससे जो है आपके हेयर प्रॉपरली जो है यू नो सेट हो जाते हैं एंड उसके बाद वापस से नीचे नहीं गिरते हैं। सो दिस इज़ द लास्ट थिंग एक्चुअली जो कि मैंने ऑर्डर करी थी। सभी चीज़ों के प्राइजेज और परचेज लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशनड हैं। एंड विद दिस हम ये व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अब मैं आपको मिलूंगी अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल मैं इंस्टाग्राम के लिए कुछ कंटेंट शूट कर रही हूँ, अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टा पर फॉलो नहीं किया है अभी तक my hair, so आप मुझे वहाँ पर follow कर सकते हो। this is my insta id reetvlogs2019। उसके ऊपर आज मैं कुछ mind में है मेरे, देखती हूँ हो पाया तो definitely shoot करूँगी। तब तक के लिए जी take care, be safe, don't forget our funda, little more kindness, a little less judgment।